हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू कोहली है और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी हम आई लैशेज एक्सटेंशन कैसे करते हैं और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले जो है हमारे जो क्लाइंट के आई लैशेज होते हैं, लाइनर लगा होता है या मस्कारा लगा होता है, इस तरीके से हम क्लिंजर से क्लीन करते हैं। और इसके लिए हमारा जो ब्रश है वो काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए ताकि हमारे क्लाइंट की आईज़ को बिल्कुल भी हार्म ना पहुँचे और उसे वेट वाइप से हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। इससे हमारा जितने भी जेल लाइनर या फिर नॉर्मल लाइनर या फिर कोई मॉइस्चराइज़र, कुछ भी ऑयली प्रोडक्ट अगर आई लैशेज़ में लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छे से डीपली क्लीन हो जाता है। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है @nail_designer, नेल डिज़ाइनर, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो इस तरीके से पूरी आईज़ को क्लीन करने के बाद डीपली काजल, आईलाइनर सब रिमूव हो जाता है। इसके लिए जो मैं सेम ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, कैमन ब्रांड का, दिस इज़ माय फेवरेट ब्रांड। और आईलैशेस में इसमें कोई एलर्जी, कोई हार्म नहीं होता है इसलिए। सो आप देख सकते हैं काजल और लाइनर जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम पैचेस अप्लाई करेंगे आईज़ में। दोनों आईज़ में आई पैचेस लगाते समय जो है हम कुछ इस तरीके की टेप का भी यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई भी हेयर रह जाए तो वो प्रॉपरली हम उसमें कवर अप कर सके और हमारे जो टूल हैं वो अंडर आई एरिया में चुभे ना। दोनों आईज़ में आई पैचेस अप्लाई करने के बाद जो है इसके बाद बारी होती है प्राइमर अप्लाई करने की। तो इस तरीके से हम अपनी कॉटन स्टिक के ऊपर हल्का सा प्राइमर लेंगे और प्राइमर अप्लाई करने के लिए जो है मैं टूल की हेल्प लूँगी ताकि हमारे आई लैशेज़ पर प्रॉपरली एप्लीकेशन हो जाए। इसलिए तो प्राइमर लगाने के बाद जो है थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए हम रुकेंगे ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसके बाद जो है हम अप्लाई करेंगे प्रेप ट्रीटमेंट। सो मैंने इस तरीके से अपने हैंड पे जो है आई लैशेज की लाइन निकाल दी है। जो मैं आई लैशेज यूज़ करने वाली हूँ, आज यूज़ करने वाली हूँ 8 mm एंड 10 mm और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है 12 mm का एज एरिया पे, और इसे ब्रशिंग कर लेंगे प्रेप ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद। इसके बाद जो है हम ग्लू को अच्छे से शेक कर लेंगे, जो हमारी आई लैश ग्लू है। तो इस तरीके से मैं इस बॉक्स में ले लूँगी, जो मैंने रिंग बॉक्स है हमारा छोटू सा, इसमें डाल दी है ताकि जल्द कहीं इधर उधर फॉल ना हो और स्पीड बनी रहे काम करते हुए बहुत अच्छे से। अपने एप्लीकेटर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वन बाय वन करके उसे क्लीन करते रहेंगे साथ साथ। और अब जो है हम अपने क्लाइंट को बोल देंगे कि एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, अब आपको आईज़ ओपन नहीं करनी है। और एक एक आई लैश जो है सेपरेट करके हम हर एक हेयर के ऊपर जो है 2 से 3 हेयर भी लगा सकते हैं, सिंगल हेयर भी लगा सकते हैं, इवन 7D तक के हेयर्स लगा सकते हैं। तो इसमें जो है 2D, 3D, 4D टिल देन 7D आई लैशेज हमारे पास आती हैं। वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा गैप देके अप्लाई करेंगे ताकि पहली वाली जो हमने आई लैश लगाई है उसको अच्छे से ड्राई होने का टाइम मिले और उसके साथ में बाकी आई लैशेज चिपके ना।
और अगर हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, तो हमारी जो आई लैशेज़ होती हैं इनकी स्टेबिलिटी होती है 20 से 25 दिन। और अगर हम बात करें इनकी लेंथ एंड वॉल्यूम की, तो इसमें हमारे पास लेंथ स्टार्ट हो जाती है 8 mm से, टिल देन 12 mm, 14 and 16 mm तक की लेंथ होती है। और अगर हम बात करें थिकनेस की, तो थिकनेस हमारे पास 0.05 से स्टार्ट हो जाती है टिल देन 0.20 तक की। तो इस तरीके से वन बाय वन करके दोनों आईज में हम अप्लाई करेंगे। आई लैशेज को अप्लाई करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्लू है या जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो, जहाँ से भी करा रहे हैं प्रॉपरली वो सर्टिफाइड हो, क्योंकि आपकी आईज़ का मामला है, आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हर एक चीज़ को। जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छे ब्रांड के होने चाहिए ताकि आईज़ में कोई ईचिंग, कोई रेडनेस ना आए, स्वेलिंग ना आए इसलिए। और जो करने वाला है प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग मिली है या नहीं मिली है, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे जैसे हमारी 30 से 40 आई लैशेज के हेयर लगेंगे, उसके बाद एवरी टाइम जो है हमें एक प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करना है, ब्रशिंग को। तो इस तरीके से बार बार ब्रशिंग ज़रूर करते रहेंगे ताकि हमारी एक एक आई लैश जो है अलग अलग रहे और आपस में चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं जैसे कि हम आज कैट आई लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो एक एक आई लैश जो है काफ़ी कितनी अच्छे से नीट नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से आप वन बाय वन करके हेयर, नेचुरल हेयर को ढूंढ ढूंढ के सेपरेट करके उसके ऊपर आई लैश अप्लाई कर देंगे। सो गाइज़, अगर आप आई लैशेज से रिलेटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी एकेडमी जो है न्यू दिल्ली में है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज।
सो हमारी एक आई लैश जो है आई की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम उसे थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम दे रहे हैं ताकि अच्छे से डीपली ड्राई हो जाए। और अब रिमूव करने की बारी है पैचेस की, तो बहुत ध्यान से पैचेस को रिमूव करेंगे। पहले कोशिश नहीं करेंगे कि टेप निकालें, कोशिश करेंगे हर एक आई लैश अगर हमारी स्किन पे या नीचे वाली आई लैश पे या पैचेस पे ना लगी हो तो इस तरीके से आराम से हम आई पैचेस को रिमूव कर देंगे हमारे टूल की हेल्प से। तो फाइनल लुक जो है ये आई है। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।